शोभा सिर्फ लड़कों अरे एक बार हंस तो दिया, एक ही जोक पे कितनी बार हंसूंगा। जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों? फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस दिवाली पर रिलीज होने वाली बॉलीवुड की दोनों ही मच अवेटेड फिल्में यानी कि राम सेतु और थैंक गॉड की एडवांस बुकिंग को शुरू हुए एक दिन पूरा हो चुका है और इन दोनों ही फिल्मों की जो एडवांस बुकिंग है वो अभी तक कितने करोड़ की हो चुकी है, अक्षय कुमार और अजय देवगन में किस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर जो एडवांस है वो ज्यादा हुई है और कौन मार रहा है बॉक्स ऑफिस की बाजी, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों दोनों ही फिल्मों के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन, रन टाइम और बजट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन दोनों ही फिल्मों का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म थैंक गॉड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले हैं। इंद्र कुमार जो कि दोस्तों इससे पहले भी टोटल धमाल और धमाल जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं, उनके डायरेक्शन में बनने वाली एक कॉमेडी फिल्म है जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 अक्टूबर को रिलीज किया जाना है। दोस्तों 2 घंटे 1 मिनट की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2000 से 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। इसके टीजर और ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल चुका है। पहला गाना मानी के हिते भी ऑडियंस को पसंद आया है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक टोटल 15 लाख रुपए की एडवांस हासिल हो चुकी है जो कि एक तरह से एवरेज ओपनिंग है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के रिलीज में अभी भी 4 दिनों का समय बचा हुआ है और उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों इस फिल्म को पहले दिन एक अच्छी ओपनिंग मिलती हुई नजर आ रही है। ब्लॉक सीट के साथ दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो अपने पहले दिन के लिए 55 लाख रुपए के आंकड़ों को पार कर चुकी है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शंस की, तो दोस्तों अजय देवगन की फिल्मों को दिवाली के मौके पर ऑडियंस की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। उनकी पिछली फिल्में यानी कि गोलमाल, सिवाय और कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दिवाली पर ही रिलीज हुई है और सुपरहिट साबित हुई है। यही वजह है दोस्तों कि थैंक गॉड से भी ऑडियंस को काफी उम्मीदें हैं कि अजय देवगन इस साल भी आपको हंसाने वाले हैं। दोस्तों बता दें आपको कि थैंक गॉड इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए की ओपनिंग आसानी से ले सकती है और अगर अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 15 से 18 करोड़ रुपए का रह सकता है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने पहले दिन लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच की ओपनिंग लेने वाली है। बात की जाए दोस्तों यहां पर सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के बारे में, जो कि एक एक्शन एडवेंचरस फिल्म है और इस फिल्म को प्रभु श्री राम जी के द्वारा बनाए गए राम सेतु के ऊपर बनाया गया है। इस फिल्म में दोस्तों आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार आर्कियोलॉजिस्ट के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। उनका साथ दिया है दोस्तों इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत बरूचा और सत्यदेव ने। दोस्तों बताते चले आपको कि परमाणु जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके अभिषेक शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 अक्टूबर को रिलीज किया जाना है। इसका रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का है और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2200 से 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज करने की ग्रैंड प्लानिंग हो चुकी है। ये फिल्म दोस्तों हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी, जिसकी एडवांस को शुरू हुए एक दिन पूरा हो चुका है। ये फिल्म भी दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने रिलीज के साथ ही काफी अच्छी एडवांस लेती हुई नजर आ रही है और इस फिल्म की एडवांस अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड से डबल एडवांस है। यानी कि दोस्तों इस फिल्म ने अपने रिलीज के साथ ही 35 लाख रुपए की एडवांस हासिल कर ली है जो एक तरह से काफी बेहतरीन है। साथ ही साथ दोस्तों ब्लॉक सीट के साथ दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो अभी तक 70 लाख रुपए के आंकड़ों को
पार कर चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि राम सेतु लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के बजट के साथ बनाई गई फिल्म है और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से मिल चुका है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का टीजर बेस्ट था और दोस्तों इस फिल्म का गाना यानी कि जो राम नाम की एंथम निकल कर आ रही है वो टीजर और ट्रेलर दोनों से कहीं ज्यादा बेहतरीन है। यही वजह है दोस्तों कि राम सेतु को देखने के लिए जो एक्साइटमेंट है वो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। और अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पर राम सेतु के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि राम सेतु रिलीज से पहले तक लगभग 10 से 12 करोड़ से ज्यादा की एडवांस हासिल करने वाली है और इस फिल्म को अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए का रहने वाला है। अक्षय कुमार की दोस्तों ऑन स्क्रीन फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है, उनकी फिल्मों को देखने के लिए ऑन स्पॉट बुकिंग ज्यादा रहती है और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म 25 करोड़ रुपए के आंकड़ों को अपने पहले दिन नॉर्मली पार करने वाली है। क्योंकि दोस्तों दिवाली के एक दिन बाद धोक पड़वा पर पूरे भारत में छुट्टियां रहती है और यही वजह है दोस्तों कि राम सेतु अपने पहले दिन तो एक बड़ी ओपनिंग ले सकती है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अगर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन सकती है और ब्रह्मास्त्र के बाद बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड्स बना सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, थैंक गॉड और राम सेतु में इंडियन बॉक्स ऑफिस की बाजी कौन मारेगा, अक्षय कुमार या फिर अजय देवगन? और आप कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा दोस्तों।